शिवा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु देखिए मेरी ये दुर्दशा। किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा? हाथी के मस्तक वाले एक सूंडधारी प्राणी ने सूंडों से मार मार कर मेरी ये दशा की है दैत्य गुरु। वो श्री गणेश होंगे। तुमने अवश्य माता पार्वती के प्रति दुष्टता की होगी। गजासुर, हमने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया था कि तुम देवियों से प्रतिशोध नहीं ले सकते। जब मैं प्रतिशोध नहीं ले सकता तो वरदान का अर्थ ही क्या है दैत्य गुरु? वरदान का लाभ उठाने की इच्छुक हो तो जैसा हमने कहा उसका पालन करो। जाओ, काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को यज्ञ पूर्ण करने से रोको। हम तुम्हें अपने मंत्र बल से पुनः पूर्ववत बना देते हैं। जय मृत्युंजय महादेव। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार काशी यज्ञ स्थल के लिए प्रयाण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। स्वाहा कर दूंगा यज्ञ करताओं। मैं तुम्हारे यज्ञ को कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। अरे यज्ञ कैसे पूछ गए? कैसे क्या हुआ यज्ञ ग्रंथ जी? हमारे यज्ञ में कोई बाधा डाल रहा है, हमें सावधान हो जाना आवश्यक है। बाधाओं से ना डरो, यज्ञ की निरंतरता बनाए रखो। ओम नागेंद्र हाराय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमौली ने नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। लगता है अब हमारा यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि कोई दुष्ट शक्ति बार बार हमारा यज्ञ भंग करने का प्रयास कर रही है। भगवान शिव यज्ञेश्वर वो स्वयं हमारी सहायता करेंगे। भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव, कोई अशुभ शक्ति हमारे इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रही है प्रभो। उसे नष्ट करें देवाधिदेव महादेव, उसे नष्ट करें। अब तुम ये यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाओगे ब्राह्मणों, अब भगवान शिव तुम पर प्रसन्न नहीं होंगे। यज्ञ बाधक दुष्ट, कौन है तू? यदि साहस है तो सामने आ। अंधो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। यदि देख नहीं सकते तो अपनी आंखों को दोष दो। अदृश्य मायावी हमारे यज्ञ में बाधा डालकर अपनी निर्बलता क्यों दिखा रहा है? यदि साहस है तो सामने आ और बता तेरी इच्छा क्या है। मुझे निर्बल कहने वाले मूर्खों, मैं परम शक्तिशाली महिषासुर का पुत्र वरदानी अमर गजासुर हूँ। यदि मुझसे उलझोगे तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। गजासुर हो या महिषासुर, हमने यज्ञेश्वर भगवान शिव की आराधना का शुभ संकल्प किया है। हम तेरे अत्याचारों के आगे झुकेंगे नहीं। यज्ञकर्ताओं, भगवान शिव का नाम लेकर पुनः ये यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूतनाथ।
अर्थाय नमः ओम महेश्वराय नमः स्वाहा ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा ओम दिगंबराय नमः स्वाहा ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा दुष्ट ब्राह्मणों दुष्ट ब्राह्मणों घमंडी ब्राह्मणों बंद करो ये यज्ञ। यदि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मैं तुम सबको इसी यज्ञ में झोंक दूंगा। हमारे रक्षक सर्वशक्तिमान भगवान शिव हैं। तुम्हारे अत्याचारों से भयभीत होकर हम इस पावन यज्ञ को कदापि बंद नहीं करेंगे, कदापि नहीं। तो भुगतो इसका परिणाम। दुष्ट ब्राह्मणों, मैं तुम्हें तुच्छ जंतुओं की भांति मसल डालूंगा। मैं तुम्हें भी कुचल डालूंगा। भोलेनाथ, इन निर्दोष ब्राह्मणों को यज्ञ करने का परामर्श मैंने ही दिया था। भोलेनाथ, कृपया आप मुझे इस पाप से उबारे। भोलेनाथ, इस पाप से उबारे। जागे शिव शंकर जागे, जागे शिव शंकर जागे। दुष्टों को दंड देने वाले भगवान भोलेनाथ आके खोले, आके खोले भोलेनाथ, आके खोले, आके खोले भोलेनाथ, आके खोले। स्वामी, आंखें खोले। आपकी प्रिय नगरी काशी के भक्त ब्राह्मणों पर गजासुर भयानक अत्याचार कर रहा है। अपने भक्तों की रक्षा करें देवाधिदेव। अपने भक्तों की रक्षा करें भक्त वत्सल। हे देवाधिदेव, सर्वेश्वर, हे त्रिकालदर्शी, निर्दोष और निरीह काशी के ब्राह्मणों को परमपिता ब्रह्मा जी का आदेश पाकर आपकी आराधना और अनुष्ठान करने के लिए मैंने ही प्रेरित किया था। कृपया आप उनकी सहायता करें भोलेनाथ। किंतु अब तो विकराल गजासुर के चरणों तले कुचले जा रहे हैं।
पर होने वाले अत्याचारों का पाप नारद के सिर चढ़ेगा। भोलेनाथ, अपने दीन हीन और परम भक्त नारद की प्रार्थना पर कृपया आप अपनी आंखें खोले। भोलेनाथ, आंखें खोले, भोलेनाथ आंखें खोले। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। परमेश्वर, उस दुष्ट गजासुर को उसकी दुष्टता का दंड देने में इतना विलंब क्यों? देवी, हर दुष्ट के पास अपने पाप संचय करने की एक थैली होती है। पाप वो करता है, किंतु उसकी गणना हम करते हैं। और जिस दिन वो थैली भर जाती है, उस दिन उसका कोई भी पुण्य और कोई भी वरदान उसे मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो क्या अत्याचारी गजासुर के पापों की थैली अभी तक भरी नहीं है भोलेनाथ? जीवन माटी का एक दिया है नारद, दिया माटी का, ज्योति ईश्वर की, दिया पृथ्वी का, प्रकाश आकाश का, दिया मनुष्य का, ज्योति परमात्मा का, दिया पंच तत्व का, आत्मा परात पर ब्रह्म। गजासुर भी माटी का एक दिया है, किंतु उसके संस्कारों में महिषासुर और गजदंती का ईंधन भरा है। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसका हृदय बदल सकता था, किंतु शुक्राचार्य की सिद्धियों ने उसके अंदर एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर दी जिससे उसकी महत्वाकांक्षा वैकुंठ लोक और कैलाश को चुनौती देने का साहस कर सके। गजासुर के दुस्साहस को दंडित करे भोलेनाथ। अवश्य ना, वो क्षण गजासुर के जीवन में अवश्य और शीघ्र आएगा। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उस माटी के दिए गजासुर का ईंधन हम ही समाप्त करेंगे।